बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेकू नंबर वन प्रधानमंत्री कहने पर अनुराग ठाकुर ने सिद्धू को खरी खोटी सुनाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब सिद्धू को कोई गंभीरता से नहीं लेता है और सिद्धू की बातों को लोग बकवास कहते हैं। बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा पीएम मोदी को फेंकू नंबर वन पीएम कहने पर अनुराग ठाकुर ने सिद्धू को खरी खोटी सुनाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब सिद्धू को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और सिद्धू की बातों को लोग बकवास कहते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिद्धू को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है और लोग हंसने लगते हैं और हंसकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि समय का इंतजार करिए और 23 मई को पता चल जाएगा कि कौन टिकता है और कौन चला जाता है। मुझे लगता है सिद्धू जी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता, लोग हंसने आते हैं, हंस के चले जाते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा उसका कोई प्रभाव जनता पर नहीं होता। इसका इंतजार कीजिए, कांग्रेस में 5-5 लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, कौन कितने को निपटाते हैं आपको 23 को पता चल जाएगा। मैं पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मुझे आशीर्वाद देने आए, वोट मांगने आए। उन्होंने मेरे युवा मोर्चा के कार्यकाल के बारे में जो कहा वो किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाला था। सबसे लंबे समय तक मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का रहा और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे देश के लिए लाठियां खाते भी देखा है, पानी की बौछारें झेलते भी देखा है और संसद में अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते देखा है और पार्टी के लिए हर चुनाव में तपते देखा है, इससे बड़े शब्द किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं हो सकते। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अमित भाई जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, सबसे ज़्यादा सरकारें हिंदुस्तान में बनवाई, मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में 80 में से 73 सीटें उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते जिताई, ये छोटी बात नहीं है। उस व्यक्ति की जुबान से कुछ निकले शब्द मेरे लिए बहुत महत्व के रहे और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।